हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एक अप ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक नई प्रॉपर्टी के ऊपर लेके आई हूँ, जो कि है हमारी न्यू चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी। अब मेरे वो क्लाइंट्स जो चंडीगढ़ के बिल्कुल 0 किलोमीटर पे रहना चाहते हैं, वो न्यू चंडीगढ़ को ही प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनको डेली चंडीगढ़ आना जाना होता है और वो ट्रैफिक में नहीं जाना चाहते। तो जो आज मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ मेरी उन्हीं क्लाइंट्स के लिए स्पेशली मैं बना रही हूँ, क्योंकि जिनके स्पेशल कमेंट्स आए थे कि वो नियर टू चंडीगढ़ रहना चाहते हैं। ना, वेट नहीं करवाऊंगी और मैं आपको पूरी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो इसकी पूरी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ मिस्टर गुरबिंदर के पास। हेलो सर। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। कैसे हैं आप सर? बड़े बड़े, प्लीज सर। आने जा रही हूँ मिस्टर गुरबिंदर से। तो मिस्टर गुरविंदर, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो अभी हमारा सैंपल रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सर आपको प्रॉपर पूरी डिटेल में एक बार नॉलेज देंगे इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ साइज, एरिया एंड विद अमेनिटीज आल्सो। हेलो सर। सर, जैसे कि हमारा अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन और जो हम लोग अंदर साइजेस प्रोवाइडेड कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहूंगी। सो हम बहुत प्राइम लोकेशन पे है अभी। सो वैसे ये न्यू चंडीगढ़ सेक्टर 2 कहते हैं हम इसे। अगर हम बात करें तो इट्स लाइक स्टार्टिंग ऑफ चंडीगढ़ या स्टार्टिंग ऑफ न्यू चंडीगढ़। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ से सेक्टर 17 जाना है तो हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर हमने हिमाचल की ओर बद्दी साइड निकल रहे हैं तो हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर। सो बेसिकली हमारे पास वो क्लाइंट्स जो चंडीगढ़ से बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, ऑलरेडी चंडीगढ़ में रह रहे हैं और नियर बाय चंडीगढ़ में ही कुछ देख रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे क्लाइंट्स थे जो डेली पंचकुला टू बद्दी ट्रेवल करते थे। तो उनके लिए बहुत अच्छी मतलब प्रॉपर्टी हो गई है कि मिडल में पड़ गई है, तो हार्डली अब वही हमारे पास क्लाइंट्स है। कुछ क्लाइंट चंडीगढ़ के क्लाइंट्स है जो ऑलरेडी कोठियों में रह रहे हैं, बट बच्चे सारे बाहर हैं, सो दे आर शिफ्टिंग हियर बेसिकली, क्योंकि आगे आगे चल के अब सेफ्टी, सिक्योरिटी, एमिनिटीज, वो बहुत सारे इश्यूज हैं जो वो फेस वहाँ पे कर रहे हैं, शायद अब यहाँ पे नहीं करेंगे। इसमें एक और चीज क्या है मैम, कि हमने बहुत ज्यादा इन्वेंटरी नहीं इसमें वो की है, लिमिटेड इन्वेंटरी है। टोटल वी हैव 264 अपार्टमेंट। ओके। एंड द बेस्ट पार्ट की एक ही कैटेगरी है, इट्स ओनली 5 BHK। मतलब इसमें हमने 1 BHK, 2 BHK वो कैटेगरी ही नहीं रखी। जैसे सर आपने मुझे बताया कि यहाँ पे एक ही कैटेगरी है आपके पास 5 BHK, तो पहली बात तो ये मेंटेन होती है यहाँ पे कि यहाँ पे क्लास प्रॉपर मेंटेन हो पाएगी, हॉच पॉच नहीं रहेगा, तो एक ही कैटेगरी है। तो नॉर्मली हमारे पास इसके कैटेगरी के वही क्लाइंट आएंगे जो ऑलरेडी पहले बड़े घरों में रह रहे हैं। एक्चुअली चंडीगढ़ में अब क्या हो गया कि चंडीगढ़ में जैसे सेक्टर 1 या 2 अच्छी कोठियां बनी हुई है, नो डाउट। सो लेकिन बच्चे सारे बाहर हैं। जी बिल्कुल। सो अब क्या है कि वो लोग हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी चंडीगढ़ में जैसे फ्लोर बिकने बंद हो गए थे, तो उसके बाद वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। And definitely these are the those customers जो बीच में 6-6 महीने के लिए अपने बच्चों के पास जाते भी हैं। Main reason वही है मैम, safety security वाला main reason। वो घर उनको बंद करना पड़ता है, तो यहाँ पे उनको safety, security, amenities, वो सारी problems बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ेंगी। Yes। And एक और चीज क्या है, अब जैसे जैसे न्यू चंडीगढ़ डेवलप हो रहा है तो इसके आस पास से कनेक्टिविटी और अच्छी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो अप्रोचेबल है बहुत ज्यादा। मतलब हम कह नहीं सकते, आपने किसी भी लोकेशन पे जाना है, जैसे मैंने पहले बताया कि हार्डली इट विल टेक 10-15 मिनट्स। आपने मोहाली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, आपने पंजाब की ओर निकलना है, कुराली वाली साइड निकलना है, सो सारा नियर बाय है। सो यहाँ पे आपने देखा, अब आपको शायद लोकेशन की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लोकेशन हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हमें इस प्रॉपर्टी में साइजेस क्या अवेलेबल हो रहे हैं। सर अगर हम साइज की बात करें तो सर हमारे पास एक, जैसे आपने बताया, एक ही साइज अवेलेबल है 5 BHK, तो उसका क्या साइजेस है, क्या मोस्टली रूम डायमेंशंस हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो लोग कोठियों से निकल के आ रहे हैं डेफिनेटली दे वांट कि मेरे को बहुत ज्यादा स्पेशियस फ्लैट अंदर से। मैम इसमें ना हमने एक ही साइज रखा हुआ है, इट्स अ 4390 स्क्वायर फीट एरिया। ओके, दैट्स अ वेरी बिग साइज। यस। एंड एक और चीज क्या है, जैसे हमारे एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, बट लिफ्ट जो है दैट्स अ 5 लिफ्ट्स। Okay. और जो डिस्टेंस है डोर टू डोर आमने सामने का, वो 62 फीट होगा। Okay. और जैसे 2 ही टावर है तो बाय डिफॉल्ट चारों फ्लैट इज लाइक अ कॉर्नर फ्लैट, दोनों टावरों में डिस्टेंस काफी अच्छा है। एंड बेस्ट थिंग क्या है कि आगे पीछे कोई बिल्डिंग्स नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी बिल्डिंग है तो उसके सामने दूसरी बिल्डिंग आ गई, तो वो वाला कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। तो आपको ओपननेस फील होगी सारी डायरेक्शन से। ठीक है, लोगों ने बताया, आपने बताया 5 BHK है और आपने जो साइज भी है वो हमें बताया। थोड़ा सा हमें आप लेआउट के बारे में भी थोड़ा सा थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे, सो डेट हमारे क्लाइंट्स पता कर पाएं कि उनको घर कैसा मिल रहा है।
इसमें फॉर एग्जांपल मैम ये पूरा एक टावर है हमारा, ओके जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, जी तो इसमें मैम जो डोर टू डोर डिस्टेंस है हमारा दैट इज 62 फीट, फाइन राइट। अब मान लीजिए एक डोर ये है तो उसके सामने जो दूसरा डोर आएगा वो यहाँ पे आएगा, ओके सो ये तीसरा डोर है, ये चौथा डोर है, मीन टू से कि इफ यू आर हेयर तो आपको ये वाला डोर देख ही नहीं सकता, बहुत बिल्कुल। ज्यादा प्राइवेसी है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट, तो वो लग्जरी एमिनिटीज को नहीं बनाएगा, yes. लोकेशन नहीं बनाएगा, आपका घर भी उसको घर लग्जरी बना रहा है, बिकॉज yes. दोनों में स्पेस ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा, इसको इनका जो डोर है वो yes. बिल्कुल विजिबल नहीं है। एंड एक और चीज क्या है कि इसमें 5 लिफ्ट है आपके पास, जी. 2 लिफ्ट इस साइड रहेंगी, 2 लिफ्ट इस साइड रहेंगी, एंड एक लिफ्ट ये है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप यूज कर सकते हो, ओके एंड यू विल हैव 2 स्टेयर्स, ओके एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी रूम्स के साथ बैल्कनी है, सो नेचुरल लाइट वेंटिलेशन प्रॉपर है। अब हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट होता है जब हम प्रॉपर्टी डिस्कशन करते हैं कि हमारा पेमेंट प्लान क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसमें? मैम देखिए इसमें पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब कोई एकदम से बर्डन नहीं है कि आपने सारी पेमेंट इमीडिएट करनी है, कुछ ऐसे है इसमें। सी हमारा जो बुकिंग अमाउंट है इट्स 10% मैम, ओके राइट, विद इन 30 डेज में आपने 15% पेमेंट और करनी है, सो 25% होगी जी। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट 25 करनी है जब बिल्डिंग आपकी 16th फ्लोर पे आ जाएगी, ओके राइट, तो आप एक साल लेके चलिए आराम से, 16th फ्लोर पे आपने 25 करनी है, देन नेक्स्ट 25 जब पूरा 32 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ओके राइट, देन उसके बाद 10% करनी है जब फ्लोरिंग और फॉल सीलिंग पूरे टावर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, एंड 15% इज टाइम ऑफ पोजेशन जब की हैंडओवर करेंगे आप। सो मतलब क्लाइंट के पास देयर इज अ मतलब बिग उनके पास टाइम पीरियड अच्छा, आ रहा है, है कि यस, उनको यस. जो 25-25 करके देना है तो वो इजीली उसको मैनेज भी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ दे वांट टू सेल देयर प्रीवियस प्रॉपर्टी एंड देन आल्सो दे हैव वेरी गुड टाइम, यस दे कैन। अब हम जैसे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, पेमेंट प्लान में आपको 25-25-25-25 के 4 जो है वो मतलब स्लैब्स मिल रही हैं, तो आप इजीली अपना पेमेंट प्लान भी मैनेज कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन एकदम से नहीं पड़ेगा। लोकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर दी है, साइजेस हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको इन्वाइट करती हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ एकअप ग्रुप कि आप मेरी प्रॉपर्टीज को देख इस प्रॉपर्टी को न्यू चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को देखने के लिए जरूर आए। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल जरूर करना ना भूलिएगा, और उसके अलावा अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।